Let's shift our focus and get you other live reactions from Khambhalia. As Isudhan Gadvi, who is the Aam Aadmi Party CM face there, a former journalist now in the fray, running for the CM's post at the Aam Aadmi Party. His reactions also came in. Let's listen it. इशुदान हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे हैं और पहले पत्रकार रहे हैं, उसके बाद नेता बने और अब आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम उम्मीदवार। अभी तक जितनी वोटिंग हो रही है उससे आपको क्या उम्मीद? देखो, वोटिंग बहुत उम्मीद से हो रही है। वोटिंग अभी मुझे लगता है 9% के आसपास हुई है और किसान समाज एक होकर वोटिंग कर रहे हैं, बेरोजगार युवा एक होकर वोटिंग कर रहे हैं, महिलाएं एक होकर वोटिंग कर रही है और उम्मीद बहुत चल रही है क्योंकि पहली बार खंभालिया में ऐसा एक उम्मीदवार मिला है जो लोगों के लिए लड़ता था, मेहनत करता था और लोग अभी परिवर्तन की उस मदार पर चल रहे हैं ऐसा मुझे दिख रहा है। लोगों में बहुत उत्साह दिख रहा है। देखो, 1 घंटे 1.5 घंटे में 9-10% वोटिंग हुई है। मुझे लगता है कि इस बार वोटिंग बहुत ज्यादा होगी। हाँ, वो मैंने भी देखा कि सुबह 8 बजे से ही लोग लाइन में लगने लगे थे। लेकिन गुजरात को अगर हम जोड़ते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर से भी जोड़ते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लोग बहुत ज्यादा वोट करते हैं, उस मुद्दे को कैसे करेंगे? क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वहां सवाल उठते रहते हैं, तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर जैसे इशू पे लोग भरोसा जता रहे हैं? नहीं, पंजाब में सरकार आने के बाद वहां ड्रग्स का माफिया खत्म हो गया। आपने पता होगा यहाँ गुजरात में जो ड्रग्स पकड़ी गई 1000 करोड़ की, वो पंजाब पुलिस ने इन्फॉर्मेशन दी थी। वहां ड्रग्स बंद की तो गुजरात के दरिया किनारे से ड्रग्स चालू की थी, वहां से इन्फॉर्मेशन आ रही है। पंजाब में तो बहुत अच्छा अभी माहौल है, यहाँ गुजरात में तो 200 तो माहौल खराब है। लेकिन फिर भी कैमरा बंद हो गया था बीच Malia, there, those reactions that are playing out live as we speak, because when it comes to Isudhan Gadvi, he has been also exuding confidence there. A former journalist who is now pitted against senior Congress leader, incumbent MLA Vikram Madam, and BJP veteran Mulu Bera as well from the same constituency. As far as the chief ministerial candidate from the Aam Aadmi Party is concerned, which has a dominance also particularly of the Ahir community. Let's listen in once again. निकल रहे हैं, यानी कि परिवर्तन की आस में इस बार बहुत ज्यादा वोटिंग होगी, मुझे ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है और लोगों में एक भारी उत्साह दिख रहा है। अच्छा, हमेशा गुजरात को लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी वोटिंग के साथ जोड़ा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लोग वोट करते हैं, लेकिन पंजाब में जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर है, जिससे जैसे सवाल उठ रहे हैं, हत्याएं हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, ऐसे में गुजरात के लोग आप पे भरोसा कैसे करेंगे? देखो, एक तो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही अच्छा सुधरा है कांग्रेस, भाजपा और अकाली से। वहां ड्रग्स का माफिया चल रहा था, उड़ता पंजाब था, अभी देखो वहां ड्रग्स नहीं चल रही है। गुजरात में से अब ड्रग्स घुसाने की इन्होंने कोशिश की थी, पंजाब पुलिस ने इन्फॉर्मेशन दी, पंजाब पुलिस ने और यहां पकड़ी गई। गुजरात में बहुत सारी हत्याएं होती है साल में, सैकड़ों हत्याएं होती है, लेकिन इसलिए अभी क्या है कि इन लोगों को सरकार कैसे चलानी ये सब आती भी नहीं है और उसके हिसाब से लोगों ने जो विश्वास जताया है, लाखों लोगों ने मुझे सीएम कैंडिडेट के लिए वोटिंग किया है, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों का उम्मीद है, लोगों की उत्साह है और कानून व्यवस्था में तो कोई, यहाँ हमारी सरकार आएगी तो आप चिंता मत करिए, यहाँ भारत में सबसे अगर अच्छा, देखो वही चीज लोगों को चाहिए। मैं इस चीज में मान रहा हूँ गुनहगार मेरा भाई है तो जेल में होने चाहिए और गुनहगार नहीं है तो दुश्मन को भी कोई उंगली नहीं हरा सकता। गुजरात के जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी को क्यों चुने? जो आप एजुकेशन, अभी मैं कुछ जगह पे था वहां पर भी सरकारी स्कूलों के हालात इतने गंभीर नहीं थे, ठीक बने हुए थे, तो गुजरात के लोग आपको क्यों सुने? मतलब कि कहीं बिल्डिंग बन जाती है तो थोड़ी मोट तो उससे अच्छे नहीं होते हैं स्कूल के हालात, है वहाँ टीचर्स नहीं होते हैं। आप गुजराती में आप किसी भी स्कूल में चले जाओ, 6-7 की कक्षा में पढ़ रहा है बेचारों को, उनके इंग्लिश में नाम तक नहीं आता है, इवन गुजराती में भी उसको नहीं आता है। और टीचर्स को 100 से ज्यादा मतलब कि काम दिए जाते हैं पढ़ाने के अलावा, तो मुझे लग रहा है कि अच्छी शिक्षा के लिए, बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसके लिए, पेपर लीक होते हैं उसके लिए, किसानों के जो भाव दाम नहीं मिल रहे हैं उसके लिए, किसानों को सिंचाई व्यवस्था नहीं मिल रही उसके लिए, सबके लिए मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को लोग
चाहेंगे और आम आदमी पार्टी एक ही मात्र विकल्प है। भाजपा को लोग भी विकास से जोड़ते हैं कि जब नरेंद्र मोदी यहाँ के मुख्यमंत्री बने तो विकास हुआ और इस इलाके में तरक्की हुई, तो विकास यहाँ के लोगों के दिमाग में बसा हुआ। देखो गुजरात का क्या विकास हुआ है मैं आपको बताऊं, यह भाजपा गुजरात का भाजपा मॉडल है, जहाँ 6,000 स्कूलें बंद की गई, जहाँ 18,000 स्कूल में कमरे तक नहीं है और टीचर्स तक भी नहीं है हजारों स्कूलों में। दूसरा आता हूँ किसान, यहाँ किसान पायमाल हो चुका है, किसानों को दाम नहीं मिल रहे, बिजली नहीं मिल रही ठीक से, पानी तो सिंचाई पहुंचा ही नहीं है अभी तक। तीसरी बार यहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी इतना खराब है, यहाँ 10-10 12-12 पेपर लीक हुए और कोई चमरबंदी जेल में नहीं गया है। तो यहाँ मतलब कि भाजपा का ये विकास मॉडल आप जो कह रहे हैं वो खोखला है पूरा। लोग पक चुके हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोगों को चाहिए महंगाई, महंगाई से छुटकारा चाहिए, लोग थक गए हैं यार, लोग पैसे से टैक्स के पैसे से कमाते हैं और हम उसका वो करते ही नहीं है। हम आज के नेता देखो बहुत खुद इतने झावलाली में रहते हैं और टैक्स के पैसे बर्बाद करते हैं। अच्छा मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूँ कि चुनाव से पहले बहुत सारी वीडियो आई, आपकी सरकार दो जगह चलती है, दिल्ली में और पंजाब में, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो रहे सत्येंद्र जैन उनकी वीडियो आई, तो वो क्या नेगेटिव प्रभाव डालेगा गुजरात के चुनावों पे? यार सत्येंद्र जैन गुनहगार नहीं है फिर भी डाल दिया गया है आपको, और ये वीडियो इसलिए बनाए गए हैं सब कि भाजपा डरी हुई है आम आदमी पार्टी से। आपने देखा होगा एमसीडी इलेक्शन साथ में लाए वो, भाजपा के बड़े नेता तो आम आदमी पार्टी का नाम तक नहीं लेते हैं, उन्हें वो तो कहते हैं छोटी पार्टी दिल्ली से आ गई है। आपने सुना नहीं होगा आम आदमी पार्टी का भी नाम लेते हैं, सुदान गढ़वी का भी नाम लेते हैं और अरविंद केजरीवाल जी का भी नाम लेते हैं। सवाल ये है नाम लेना ले उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और जनता तय करती है भाजपा वाले कौन होते हैं, और गुजरात किसी बाप का जागीर नहीं है, ये गुजरात की जनता बहुत समझदार है, उसको उनके टैक्स का पैसा चाहिए और किसी भी तरह लेकर रहेंगे वो। अच्छा पंजाब में कल जिस तरीके से हुआ लाठीचार्ज जो हुआ उसे लेकर क्या कुछ नेगेटिव प्रभाव गुजरात की वोटिंग पे पड़ेगा, क्योंकि सीएम आवास पे लाठीचार्ज होना, यहाँ पाटीदारों को 14 पाटीदारों को गोलियां दी गई, पाटीदार को गोली से मार दिया गया, पाटीदार समाज बहुत नाराज है गुजरात में, दलित समाज पर अत्याचार किया गया, ओबीसी समाज को लेकर बहुत परेशान है। इससे पहले जब कांग्रेस ने ये कहा किया था मतलब तब कांग्रेस को भी जनता ने अपना चुकादा दिया था, और इस बार भाजपा देखो यहाँ बहुत सब परेशान है। आपने देखा होगा 700 किसान मर गए थे बॉर्डर पे आंदोलन करते करते, कानून वो लेकर आए, कंपनियों के लिए कर आए, किसान हड़ताल करे 1.5 साल करे और किसान मर जाए। इसलिए भाजपा वैसे किसान विरोधी पार्टी है, लेकिन देखा जाए तो आज पंजाब में एमएसपी दी जाती है, पंजाब में पूरी सुविधाएं दी जाती है, और जितनी भी कमियां होगी सब पूरी की जाएगी, कोई टेंशन नहीं। हम अपने घर पर नहीं घर नहीं भर रहे,